आप खुद से मिलते हैं जब आप प्रकृति के करीब होते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लवलीज लवली लाइफ। तो आज मेरी वीडियो विंटर वेजिटेबल हार्वेस्टिंग पर है और आप अभी मेरे छोटे से गार्डन का एक छोटा सा ओवरव्यू ले रहे हैं। ओवरव्यू के बाद हम हार्वेस्टिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आई एम लवली बत्रा। तो आज हम लोग आ चुके हैं मेरे टेरेस गार्डन पर और आज हम लोग करेंगे विंटर वेजिटेबल्स की हार्वेस्टिंग। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जो मैंने अभी कुछ दिन पहले ही लगाई थी, जिसकी एक छोटी सी वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी, तो ये अब निकल चुके हैं। तो अब हम हार्वेस्ट करते हैं बैंगन। अब हम करते हैं वाइट ब्रिंजल्स की हार्वेस्टिंग। टमाटर भी इस पौधे में काफ़ी सारे लगे हुए हैं, लेकिन अभी ये पके नहीं हैं, तो इनकी हार्वेस्टिंग हम बाद में करेंगे। एक ही टमाटर पका है, इसको तोड़ लिया हमने। तो अब हम हार्वेस्ट करते हैं पालक को। काफ़ी सारी पालक मेरी हो चुकी है और पत्ते भी आप देख रहे हैं, काफ़ी बड़े बड़े पत्ते हो चुके हैं, तो इसको हार्वेस्ट करते हैं आज। इस तरह से तोड़ लेते हैं, क्योंकि पालक भी रीग्रो हो जाती है। आप चार पांच बार पालक को रीग्रो कर सकते हो। ये बहुत अच्छी वेजिटेबल है क्योंकि एक बहुत जल्दी ग्रो होती है। आप 20 दिन के अंदर अंदर पालक को हार्वेस्ट कर सकते हो। ये पालक तो सबको अपने घर में ज़रूर लगा लेनी चाहिए। मेरे दो तीन ग्रो बैग्स में लगी है। थोड़ी सी पालक हम यहाँ से भी तोड़ लेते हैं। ये है मेथी और अब हम मेथी को भी हार्वेस्ट करेंगे। और आज मैं मेथी को जड़ से निकालूंगी। इसे मैं दो तीन बार हार्वेस्ट कर चुकी हूँ, तो अब मैं इसको पूरा जड़ से निकाल लूँगी ताकि ये ग्रो बैग में दोबारा मैं मेथी को बो सकूँ। तो बस इसको ऐसे ही खींच खींच के मेथी हम निकाल लेंगे। सारी की सारी सब्जियाँ ऑर्गेनिक हैं। मैं किसी प्रकार के केमिकल का यूज़ नहीं करती हूँ अपनी वेजिटेबल्स में। एंड रियली ट्रस्ट मी, टेस्ट इज ऑसम। और साथ ही साथ सब्जियाँ गलती बहुत जल्दी हैं, तो और मेरी फैमिली छोटी है, तो मेरी फैमिली के हिसाब से हमें काफ़ी सफिशेंट वेजिटेबल्स मिल जाती हैं। तो देखते हैं अब हमने कितनी मेथी निकालते हैं। किसी ने सच ही कहा है, जितना आप प्रकृति की ओर जाएंगे, प्रकृति उतना ही आपकी ओर आएगी। तो
ये लाल साग भी मैं दो बार हार्वेस्ट कर चुकी हूँ, तो आज मैं तीसरी बार इसको हार्वेस्ट कर रही हूँ। और ये भी बहुत टेस्टी बनता है, इसको आलू डाल के बनाते हैं, मेथी आलू की तरह ही बनता है ये भी, तो बहुत न्यूट्रिशियस वेजिटेबल है। ये भी हमारा एक टोकरी लाल साग निकल आया है। साग को भी मैं जड़ से उखाड़ूंगी, क्योंकि दो बार पहले मैं इसको हार्वेस्ट कर चुकी हूँ और इसके फूल से बनने लगे हैं, तो मैं इसलिए इसको जड़ से ही हार्वेस्ट कर रही हूँ। जब साग को बहुत ज़्यादा इकट्ठा ऐसे बो देते हैं तो उसके लीव्स ज़्यादा बड़े नहीं हो पाते, और अगर आप कहीं कहीं छोटे छोटे साग के दाने, सरसों के दाने छिड़क देंगे तो वो ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो अब मैं इस वाले पॉट को खाली करके इसमें ऐसे ही करूँगी, थोड़े ही सीड्स डालूँगी, उससे आपको हार्वेस्टिंग ज़्यादा अच्छी मिलती है। अब हम तोड़ते हैं बथुआ, और बथुआ भी मेरे अपने आप ही गमलों में कहीं कहीं निकल आया है, तो ये देख सकते हैं आप, काफ़ी सारा बथुआ इसमें निकल चुका है। इसको हार्वेस्ट करते हैं। तो ये है केल के पत्ते जिसे मैं और पनव मिलकर हार्वेस्ट कर रहे हैं। जैसा मैंने आपको पहले भी अपने वीडियो में दिखाया है, ये सैलड के लिए यूज़ होता है और बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है। बहुत अच्छी फ्रेगनेंस आती है घर के हरे धनिया की, थोड़ा सा हरे धनिया ही सब्जी में बहुत हो जाता है। चकुंदर के पत्ते, चकुंदर के पत्तों का यूज़ मैं इसको साग में भी डाल देती हूँ, और साथ ही साथ इसको छोटा छोटा चॉप करके या पीस कर आप आटे में भी डाल सकते हो। चकुंदर भी हर रूप में बहुत न्यूट्रिशियस होता है, तो मैं ये पत्ते थोड़े बहुत डाल देती हूँ साग में, या इसका आटा गूंथ लूंगी। चकुंदर के पत्ते भी हमने निकाल लेते हैं। ये तोड़ लिए हमने कुछ चकुंदर के पत्ते, थोड़े से शलगम लीव्स भी तोड़ लेते हैं। इसको भी मैं आलू पालक के साथ ऐड कर देती हूँ जब बनाती हूँ। मैं इन लीव्स को किसी भी कोई भी हरी सब्जी बनाती हूँ तो मैं डाल देती हूँ, क्योंकि वैसे तो शलगम का जो टेस्ट है इसके लीव्स का काफ़ी शार्प होता है, लेकिन थोड़े से पत्ते अगर आप ऐड कर देते हो तो टेस्ट बढ़ जाता है आपकी सब्जी का। साथ ही साथ ये बहुत ही न्यूट्रिशियस भी होते हैं सभी लीव्स, तो मैं इनको भी थोड़ा थोड़ा ऐड कर देती हूँ। मैंने कुछ ये देसी करेले भी बोए हुए हैं, तो बिल्कुल छोटे छोटे करेले हैं, काफ़ी अच्छे बनते हैं, गलते बहुत जल्दी हैं ये करेले, तो ये भी पौधा मेरा बस ख़राब हो चुका है, तो इससे भी इसको आज लास्ट हार्वेस्ट करके इसमें भी एक नया पौधा लगा देंगे।
तो ये है मेरी आज की विंटर वेजिटेबल हार्वेस्ट। और इस हार्वेस्ट को शाम को मैंने दो सब्जियां इसमें बना भी ली थी, जिसका एक छोटा सा वीडियो मैं आपके साथ अभी शेयर करती हूँ। आशा करती हूँ आपको मेरा ये छोटा सा किचन गार्डन अच्छा लगा होगा और इसकी हार्वेस्टिंग वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट ऑन माय वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय।